दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिना फैक्ट्री लगाए अपना ब्रांड कैसे बनाएं, मार्केटेड बाय अपना ब्रांड लॉन्च कीजिए, कम पूंजी में लॉन्च कीजिए और सेल्फ की कला सीखिए, फिर धीरे धीरे एक दो प्रोडक्ट करते करते ज़्यादा प्रोडक्ट करके अपना ब्रांड बना लीजिए, उसके बाद कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं दोस्तों फेल नहीं होंगे। अपना ब्रांड कैसे बनाएं, सारी प्रक्रिया उसकी क्या क्या है, कौन से कागजात लगेगा, क्या क्या, कितना प्रॉफिट होगा, कहां से बनवाएं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, जैसे सब लोग जान रहे हैं कि आदमी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। इस कोरोना काल में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इस जूस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और हमको उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी इसकी डिमांड रहेगी। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मात्र 10-20-50-50-60 हज़ार पूंजी से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपका कोई वेस्ट नहीं जाएगा, जितने का आप बनवाएं उतना कभी भी आप बेच सकते हैं। इसमें फैक्ट्री डालने की ज़रूरत नहीं, इसको घर से भी कर सकते हैं या एक छोटे से कमरा लेके कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम कैसे करें, क्या करें, सारी चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। सब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट पेपर, सबसे पहले आपको GST नंबर लेना होगा, उसके बाद MSME रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से ब्याज मिल जाएगा, वो भी कम ब्याज के। इसके लिए आप अपने नियर में जो बैंक शाखा है वहाँ संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगा, कितना लोन मिलेगा, क्या है इसकी स्कीम, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद है दोस्तों FSI रजिस्ट्रेशन, जो फूड प्रोडक्ट है। उसके बाद मेन काम जो है ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा और उसका लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। ब्रांड नेम और लोगों से ही आपकी पहचान होगी, इसलिए इसको अच्छे से डिजाइन करवाना दोस्तों, जिससे आपकी पॉपुलरिटी बनेगी। फिर इसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियाँ 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट OPC या LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। और बहुत बड़े में अगर करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिटियों से आपको अच्छी सी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप इतने दिन बाद पेमेंट की साइड मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अदर लाइसेंस स्टेट वाइज लाइसेंस होता है। कभी कभी कोई स्टेट वाइज अलग सरकार की कोई कानून है, उस समय जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना आप देख लेना, या ये वीडियो आपके पास 6 महीने से साल बाद पहुंच रहे उस समय क्या टर्म कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग, आप ऐसे स्थान पे अपने ऑफिस की मार्केटेड बाय ऑफिस की स्थापना करेंगे जहां से इजी ट्रांसपोर्टिंग हो। और उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है शॉप ऑफिस, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लेटर, प्रिंटर, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको जहाँ पे ऑफिस डालेंगे उसको अपने ढंग से आप डिस्प्ले डेकोरेशन करवा लेना दोस्तों। आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिल्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा और बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपके सारे मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब चौथे पॉइंट बात करें टाइप्स ऑफ वैरायटी एंड साइज। वैरायटी है दोस्तों आंवला जूस प्लस करेला प्लस नीम जूस, ये तीनों का कम्बिनेशन है। तीनों के कम्बिनेशन में आप लॉन्च करेंगे। साइज की बात करें 500 ml 1000 ml दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बिकता है 500 ml 1000 में। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो दोनों 5 में लॉन्च करिए, नहीं तो 1000 या 500 ml में आप मार्केट में लेके प्रोडक्ट उतरिए। पांचवा पॉइंट है टॉप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट पैकिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग होना चाहिए। प्रोडक्ट की दोस्तों जो पैकिंग होना चाहिए, 4-5 कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी जो मार्केट में रन कर रही हैं उनके पैकिंग डिजाइन वगैरह सर्वे कर लेना। आप उनसे बेटर अपनी पैकिंग रखेंगे, चूँकि आधे से ज़्यादा यानी 90% लोग पैकिंग पे ही अट्रैक्टिव होते हैं, रिजल्ट तो बाद में आता है। इसलिए पैकिंग से कोई समझौता नहीं, उसकी डिजाइन वेस्ट हो, देखने में लगे ये भी कोई प्रोडक्ट है। उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रखना। टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के कुछ रूल होते हैं, वेस्ट क्वालिटी,
प्रोडक्ट नो कम्प्रोमाइज क्वालिटी, आप कभी भी अपने प्रोडक्ट से क्वालिटी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमेशा आप अपना बेस्ट देते रहेंगे। प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स में नेट वेट, वैट नंबर, MRP एंड एक्सपायरी, ये सब कंपनियां जो पैकिंग रूल होते हैं दोस्तों, जिस पार्टी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे उस सारे रूल्स को फॉलो करेंगी, वो अपने आप कर देती हैं। रॉ मटेरियल की बात करें, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल इसमें क्या पड़ेगा, नीम प्लस आंवला और करेला, ये सब बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, सड़े गले नहीं होने चाहिए। जब आप जिस कंपनी से बनवाएंगे दोस्तों, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद दसवां, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, ये सब चार पांच माध्यमों से अपनी ब्रांडिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतना लोगों तक पहुँचेगा और उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें ध्यान देना हुआ इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक एंड प्रोडक्ट ऑफर। आप दोस्तों दो तीन कंपनियों का सर्वे कर लेना, क्या रेट है 1000 ml में, क्या रेट है 500 ml में, उसी हिसाब से आप भी अपने कॉस्ट रखना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट मत रखना। और कस्टमर से हमेशा अच्छे से व्यवहार होना चाहिए, जैसे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जो एजेंसी है या जो आपके और कर्मचारी हैं। प्रोडक्ट पे समय समय पर आप ऑफर देते रहना और प्रोडक्ट के आप मार्केट में सर्वे फीडबैक लेते रहना, क्या आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं या इसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट इसमें मिक्स करके आ रहा है मार्केट में, उसकी डिमांड है, उसी हिसाब से आप अपना चेंजिंग करते रहेंगे। उसके बाद है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिससे आपको प्रोडक्ट बनवाना है, वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होना चाहिए दोस्तों। उसके पास ये सर्टिफिकेशन है, उसी कंपनी से आप बनवाएंगे और वो 8 से 10 साल का उसका मार्केट का अनुभव हो। इन कंपनियों से बनवाने से आपको प्रॉफिट ही रहेगा, उन्हीं से मल्टीनेशनल कंपनियों का भी प्रोडक्ट बन रहा है, आपका भी बन रहा है, तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। ये आपको मार्केट में जब फील्ड में उतरेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद है टाइप ऑफ सेल्स, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। आप बेचने का जो तरीका मेरे पास था दोस्तों, पहले ऑफलाइन था और सेल्फ टीम के द्वारा ही हम बेचते थे, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त जो तरीका है ऑनलाइन का, बहुत सारी कॉमर्स कंपनियां हैं या अपने ऐप को बना करके डिजाइन करवा के उस पर भी बेच सकते हैं, या सारी ई कॉमर्स कंपनियों पर लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को बेचिए, ऑर्डर आएगा और डिस्पैच कर दीजिए। ई कॉमर्स कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख करके लॉगिन कर सकते हैं। अब हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 25% से 80% का प्रॉफिट होगा। 25% जब आप सेल्फ टीम के द्वारा करेंगे, मार्केट में और खर्चे हो जाएंगे, लेकिन सारे खर्चे काटने के बाद आपके 25% तो बचने ही बचने हैं। लेकिन वही आप डायरेक्ट सेल अगर करेंगे तो उसमें आपको 80 से 90% होगा और इसमें कोई और नहीं है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बरकरार रखें, प्रोडक्ट को हम अपना मार्केट में कैसे इम्प्रूव करें, सेल्फ का तरीका कैसे सीखें, सब कुछ ये आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे, ये सीखने को मिलेगा। आप यहाँ फैक्ट्री नहीं डाल रहे हैं, 10-20 लाख रुपए आपका वेस्ट जाएगा। आपने 40 से 50-60 हज़ार जो भी आपने रुपए को लगाया है दोस्तों, वो रुपया आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जितने में आपने बनवाया है। जब भी आप बेचना चाहें किसी मेडिकल वाले को बेच सकते हैं, वो पूँजी आपकी सुरक्षित है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको सीख रहे हैं, सेल्स की कला सीख रहे हैं। जब धीरे धीरे आपके नॉलेज बढ़ते जाएँ, एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट करिए, 2 से 3 से 4, ऐसे आप उसमें आप इंक्रीज करते जाइए। जब आपको फुल नॉलेज हो जाए तो दोस्तों आप अपनी थर्ड पार्टी, अपनी फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी डाल सकते हैं, तब आप उसमें फेल नहीं होंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप ये बिजनेस हम करते हैं तो कोई भी बिजनेस हुआ हम उसमें फ्लॉप नहीं होते। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ज़रूर समझ में आएगी, ज़रूर कुछ सहायता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो दोस्तों अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम इस तरह से और वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।